अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम दारे अरकम स्कूल पर निगाला कैंपस। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। ओके, आई एम टीचर ऑफ ग्रेड 1, सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर 11, टॉपिक मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, वर्कबुक पेज 9। ओपन योर वर्कबुक पेज 9। नेम द ऑब्जेक्ट विच इज स्मूथ एंड ग्रेट। ओके, नेम द ऑब्जेक्ट विच इज स्मूथ एंड ग्रेट। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो स्मूथ और ग्रेट। ग्रेट मीन्स सख्त होते हैं, ठीक है। लाइक ए टेबल टॉप, टेबल टॉप टीवी स्क्रीन, टेबल टॉप टीवी स्क्रीन इज स्मूथ एंड ग्रेट। ओके, ड्रा एन ऑब्जेक्ट दैट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल। ड्रा एन ऑब्जेक्ट दैट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल। ऐसे ऑब्जेक्ट का ड्रा करना है अपने जो सॉफ्ट, नर्म एंड फ्लेक्सीबल, लचकदार हो, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो सॉफ्ट भी हो और फ्लेक्सीबल हो? तो यहाँ पे आप पिलो को ड्रा करें। पिलो जो होता है वो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सीबल भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉर्ट द फॉलोइंग एज नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एज ये आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है जिसमें आपको नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स आपको इस वर्ड बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो मैन मेड हैं उनको आपने मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में लिखना है, और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में लिखना है। लाइक पेंसिल, पेंसिल इज मैन मेड ऑब्जेक्ट, बुक मैन मेड ऑब्जेक्ट, बैंगल मैन मेड ऑब्जेक्ट, ग्रास नेचुरल ऑब्जेक्ट, स्टोन नेचुरल ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर मैन मेड ऑब्जेक्ट, कार मैन मेड ऑब्जेक्ट, वुड नेचुरल ऑब्जेक्ट, कैट नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड माउंटेन्स आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू।